हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके क्लास फोर के बच्चों के लिए आज मैं आपकी किताब का हिंदी पाठमाला से एक चैप्टर है मैडम क्यूरी। यह इसके जीवन पर आधारित एक कहानी है, उसको मैं बताऊंगा। तत्काल मैं आपको सिर्फ ये पहले बता देता हूँ कि इस कहानी से हमको प्रेरणा क्या मिलती है या क्यों कहानी बच्चों की किताब में दिया गया है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रेरणा के संबंध में कुछ बताया जाए कि यह प्रेरणा क्या है, इससे प्रेरित होकर ये बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। जैसे इससे किस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर बच्चों में दृढ़ संकल्प हो, लगन हो, परिश्रम हो, एवं एकाग्रता हो, तो उससे हम अपने रास्तों की बाधाओं को हटाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह इस कहानी की प्रेरणा है। इसके बाद इस मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी, तो इसने रेडियम नामक एक पदार्थ की खोज की थी और जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, भौतिकी और रसायन विज्ञान में पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के रूप में मिला था और यह पुरस्कार उनको 1909 और 1911 में मिला था।